अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जीसस क्राइस्ट इन फोर गॉस्पेल्स, यानी के ईसा अलैहिस्सलाम और अनाजिल अरबा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजील से क्या मुराद है। हम लोग जानते हैं कि हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में इंजील का लफ्ज बार बार आया है, तो आइए इसी लफ्ज इंजील को हम समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम सबसे पहले जो ईसाइयों की जो किताब है बाइबल, उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसके बाद फिर हम कुरान की तरफ रुजू करेंगे। ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल के दो हिस्से हैं। पहला पुराना अहदनामा, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और दूसरा नया अहदनामा, जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। नया अहदनामा यानी न्यू टेस्टामेंट, इसमें कुल किताब 27 है, माने नया अहदनामा 27 किताबों पर मुश्तमिल है। इसमें पहली चार किताब अनाजिल अरबा के नाम से जाना जाता है, जो तरतीब में इस तरह से हैं: गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक एंड गॉस्पेल ऑफ जॉन। माने हम जब न्यू टेस्टामेंट खोलते हैं तो उसमें जो हमें पहले चार गॉस्पेल्स नजर आते हैं, तो पहला जो गॉस्पेल है वो है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसके बाद एक गॉस्पेल ऑफ मार्क, उसके बाद एक गॉस्पेल ऑफ ल्यूक और उसके बाद एक गॉस्पेल ऑफ जॉन। अब इन चार अनाजील के बाद जो किताब है उसका नाम है एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स। फिर इसके बाद सेंट पॉल के 13 खतूत हैं, 13 लेटर्स ऑफ सेंट पॉल, जो एशिया कोचक यानी एशिया माइनर, आज उसका नाम है टर्की, जो एशिया कोचक के मुख्तलिफ शहरों के बाशिंदों और कुछ खास अशखास को लिखे गए। इसके अलावा और भी खतूत हैं जिसे हम नॉन पॉलिन एपिसिल्स या नॉन पॉलिन लेटर्स कहते हैं, यानी दूसरे हवारियों के जरिया ये लिखा गया है। और कुछ अच्छा, इसके अलावा 8, ये तादाद में 8 है, इसके अलावा 8 और खतूत हैं जो मुख्तलिफ रसूलों मसलन पीटर, जेम्स और जॉन के हाथों लिखे गए हैं। और सबसे आखिरी किताब का नाम है बुक ऑफ रिवेलेशन। तो ये है न्यू टेस्टामेंट के किताबें। लफ्ज गॉस्पेल का उर्दू माने बशारत के है, यानी गुड न्यूज। और बशारत ईसाई अकीदा के मुताबिक ये है कि जिसने भी मसीहियत को बतौर दीन कबूल किया उसे निजात हासिल हो गया, यानी जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया वो उसको डिलीवरेंस हासिल हो गया, उसे निजात मिल गया। यही जो है गुड न्यूज है या गॉस्पेल का माने यही है। गॉस्पेल लफ्ज जो है ग्रीक वर्ड इवांजेल से निकला है। अच्छा, अब इसके बाद लफ्ज गॉस्पेल का उर्दू तर्जमा इंजील होता है। इंजील यूनानी जुबान में लिखी गई ग्रीक लैंग्वेज में, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने यहूदी मुखातिबीन को अरामाई जुबान में अल्लाह ताला के दिन को पहुंचाया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मुखातिब कौन कौन थी? जाहिर सी बात है बनी इसराइल। तो बनी इसराइल ही को जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का दिन पहुंचाया, और वो जिस जुबान को इस्तेमाल किए उस जुबान का नाम था अरामाइक या आरामी जुबान। लेकिन गॉस्पेल जो है ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, फिर उसके बाद बहुत सारे जुबानों में इसका तर्जुमा किया गया। पहली सदी में अरामाइक लैंग्वेज आम लोगों की जुबान थी, और ईसा अलैहिस्सलाम के जाए पैदाइश के लोग आरामी जुबान ही बोलते थे। ईसा अलैहिस्सलाम गैलीली उनका जो है होम टाउन था, तो वहां के जो बाशिंदे थे वो अरामाइक लैंग्वेज ही ज्यादा बोला करते थे। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम की सवाने उम्री है। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जाजाना पैदाइश,
उनकी तरबियत व परवरिश, उनका तौरात का तालीम हासिल करना, उनके मौजजात, उनके वाज और नसीहतें, उनके जाए पैदाइश गलीली से यरूशलम तक का सफर, और इस दौरान सफर में लोगों को दीन की दावत पेश करना, फिर यहूदियों के साथ उनका मुजादला, फिर यहूदियों की साजिशें, यहूदियों का ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाना कि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहते हैं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी, रोमन अदालत में उनकी पेशगी, फिर उनको सलीब देने की सजा का फैसला सुनाना, फिर सलीब पर उनका मौत वाक़े होना, और फिर तीन दिनों के बाद उनका जिंदा होना, और हवारियों के साथ उठना बैठना और ताम करना, और फिर आखिर 40 दिनों के बाद आसमान में चला जाना। ये तमाम वाकयात जो है इंजील में लिखे हुए हैं, माने जो ये चार गॉस्पल्स है उसको पढ़ने से हमें ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक यही वाकयात पढ़ने को मिलते हैं। ईसाइयों की मुस्तनद किताबें अनाजील अरबा के मुसन्नफिन कौन है ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बता सकता कि इन ये जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक और गॉस्पेल ऑफ जॉन किसने लिखा, ये कोई नहीं जानता। इसका एक्चुअल राइटर कौन है, रियल राइटर कौन है नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कयास किया जाता है कि मता की इंजील को हवारी मता ने और यूहन्ना की इंजील को हवारी यूहन्ना ने लिखी है, लेकिन आम मैंने कयास यही है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को हवारी मैथ्यू ने लिखा और गॉस्पेल ऑफ जॉन को हवारी जॉन ने लिखा। हजम के एतबार से, मैंने वॉल्यूम के एतबार से, हजम के एतबार से मता की इंजील सबसे बड़ी किताब है और मरकस की इंजील सबसे छोटी किताब है। पहले तीन इंजीलों के लिए एक खास इस्तेलाह साइनोप्टिक गॉस्पेल इस्तेमाल किया जाता है, माने पहले जो तीन इंजील हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, इन तीनों अनाजील के लिए एक कॉमन टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम साइनोप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं। इसकी वजह क्या है कि जब तीनों अनाजील का मवाजना किया जाता है तो हमें ये नजर आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक सारे वाकयात एक ही तरतीब में और कमोबेश यक्सा अल्फाज के साथ बयान किया गया है। मशमूलात तरतीब और उसलूब की बुनियाद पर कहा जाता है कि इंजील मरकस सबसे पहले लिखी गई और लूका और मता ने मरकस इंजील का नकल करके दो अलग अलग इंजीलें लिखी जो इन मुसन्नफीन के नाम से मशहूर हुई। मतलब ये कहा जाता है कि मार्क्स को गॉस्पेल सबसे पहले लिखा गया और उसके बाद मैथ्यू और ल्यू इन दोनों ने मार्क्स गॉस्पेल को कॉपी किया और फिर गॉस्पेल ऑफ ल्यू और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है वजूद पजीर हुई। अच्छा, और फिर बाद में ये दोनों मुसन्नफीन ने अपने अपने इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जुबानी रवायात को शामिल किया। तो मार्क गॉस्पेल को पूरा माने ट्रांसलेट किया गया, माने मैथ्यू ने किया और ल्यूक ने किया, और फिर उस गॉस्पेल में अलग से जो जुबानी रवायात थी ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक उन जुबानी रवायात को उसमें शामिल कर दिया गया। इसलिए तीनों अनाजील में हमें मुशाबहत और गैर मुशाबहत देखने को मिलता है। इन इंजीलों के मुताला से एक बात और वाज़े है कि अनाजील के मुसन्नफीन का मजहबी नजरियात और उनके अफकार बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़ते हैं और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक पढ़ते हैं तो हमको एक डिफरेंसेस नजर आता है। क्या डिफरेंसेस नजर आता है? वो डिफरेंसेस नजर आता है कि गॉस्पेल का आउटलुक, आइडियोलॉजी और मैथ्यू का आउटलुक, व्यू पॉइंट या आइडियोलॉजी एकदम बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन मता की इंजील से वाजे है कि इसका मुसन्निफ यहूदी था जबकि लूका एक गैर यहूदी शख्स था।
इंजील मता में मसीह अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को तबलीग के लिए गैर यहूदी इलाके और समरिया खत्ते में जाने से रोकते हैं। अच्छा, जबकि लुका की इंजील में मसीह अलैहिस्सलाम का ढेर सारे सामरिया के बाशिंदों के साथ मुखलिसाना ताल्लुकात था और गुड सैमरिटन के नाम से एक वाज बहुत ही मशहूर है। गुड सैमरिटन गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में ये एक बहुत माने अहम और माने गैर मामूली जो है एक वाज है जो इसमें दर्ज है गुड सैमरिटन के नाम से। अब इसके बाद जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है जिसे हम यूहन्ना की इंजील कहते हैं, यूहन्ना की इंजील एक जुदागाना इंजील है। इसके मशमूलात और असलूब पहले तीन अनाजील से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें वो सारे वाकयात बयान किए गए हैं जो पहले तीन अनाजील में सिरे से गायब हैं। इस इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम की अलूहियत को नुमाया किया गया है जबकि पहले तीन अनाजील में ईसा अलैहिस्सलाम के इंसान होने पर ज्यादा जोर दिया गया है। माने गॉस्पेल ऑफ जॉन में जो है डिविनिटी ऑफ जीसस को जो है ज्यादा जो है प्रोजेक्ट किया गया है जबकि साइनोप्टिक गॉस्पेल्स में ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस को ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया है। इस इंजील के मुसन्निफ का मजहबी फिकर और नजरिया अनाजिल सलासा के मुसन्निफीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है और गॉस्पेल ऑफ जॉन का जो राइटर है जो मुसन्निफ है उसका आउटलुक उसका आइडियोलॉजी उसका जो है माने रिलीजियस थॉट एकदम जो है डिफरेंट है साइनोप्टिक गॉस्पेल के राइटर से यानी लुका के और मता के माने कंसेप्ट से या रिलीजियस थॉट से। इसलिए एक मशहूर नाखिर जिसका नाम एफ सी बर्किट है उनका कहना है कि यूहन्ना की इंजील इस काबिल है कि इसे अनाजील अरबा से निकाल दिया जाए। इसमें मसीहियों के अहम मजहबी रसूमात यूकैरिस्ट ये ईसा अलैहिस्सलाम का गिरफ्तारी से पहले अपने हवारियों के साथ ये एक आखिरी डिनर है इसको यूकैरिस्ट कहा जाता है और बैप्टिज्म का जो रसम है वो गॉस्पेल ऑफ जॉन में सिरे से गायब है जबकि ये अहम क्रिश्चियन रिचुअल्स या राइट्स हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो वाकयात हैं वो ख्याली हैं जन्नी हैं और गैर तारीखी है। इतने वाजह नकायस के बावजूद चर्च ने अपने मुस्तनद किताबों की फहरिस्त मतलब रिलीजियस किताबों की जो फहरिस्त इसके लिए एक वर्ड अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है केनन CANON केनन केनन से इस किताब को बाहर नहीं किया मतलब इस केनन में जो है इसको शामिल कर लिया। इसकी वजह यह है कि यह किताब ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने और खुदा के बेटा होने पर ज्यादा जोर देता है या उसकी तालीम देता है। ईसाई उलमा के तहकीक के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देने का वाकया साल 30 एडी से 33 एडी के दरमियान दिया गया। ये वो पीरियड है जिसमें ईसाई मुहक्किकीन का कहना है कि यही वो पीरियड है जब ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई नजरिया के मुताबिक सलीब दिया गया और अनाजिल की तहरीर साल 70 से लेकर 110 के दरमियान हुई और ये अनाजिल का जो कंपोजिशन हुआ है सन 70 एडी से लेकर 110 एडी के दरमियान हुई है यानी 30 साल 30 एडी से लेकर साल 70 एडी तक कोई तहरीरी शक्ल में गॉस्पेल मौजूद नहीं थी। और साल 30 से लेकर साल 70 साल 70 तक का जो जमाना था वो जुबानी रवायत ओरल ट्रेडिशन का जमाना था और इस मुद्दत तक कोई भी इंजील तहरीरी शक्ल मौजूद नहीं थी। अनाजिल अरबा को मुकद्दस किताब का दर्जा साल 170 में दिया गया। 110 तक तो लिखा जा चुका था ये चारों माने ये गॉस्पेल्स लेकिन इसको फाइनली
कैनन में शामिल किया गया या इसको जो है मैंने ऑथेंटिक रिलीजियस बुक्स का दर्जा करार दिया गया, स्टेटस हासिल किया कब, 170 एडी में चर्च ने इसको दिया। अब ये अनाजिल अरबा के अलावा बहुत सारे अनाजिल भी लिखे गए थे जिनको चर्च ने अपने मजहबी किताबों के फहरिस्त में शामिल नहीं किया, और इस तरह के अनाजिल को गैर मुस्तनद या मौजू अनाजिल अपोक्रिफल गॉस्पेल्स का नाम दिया गया। हालांकि इस इंजील के बहुत सारे वाकयात अनाजिल अरबा के साथ मुशाबहत रखते हैं। अब ये अपोक्रिफिकल गॉस्पेल्स की चंद मिसालें कौन कौन से हैं, जैसे बरनाबास की इंजील, पीटर की इंजील और थॉमस की इंजील। इंजील के मुसन्निफ को अंग्रेजी में इवांजेलिस्ट कहा जाता है। इस बात से ईसाई उलमा मुत्तफिक हैं कि इंजील का मुसन्निफ आंखों देखा हाल नहीं देखा, दे वर नॉट आई विटनेसेस। बाज उलमा की यह राय है कि मता की इंजील को हवारी मता ने और यूहन्ना की इंजील को हवारी यूहन्ना ने लिखी, लेकिन जमहूर की राय यह है कि किसी हवारी ने भी ईसा अलैहिस्सलाम के वाकयात को कलम बंद नहीं किया। इंजील का मुसन्निफ कोई और था, बस उसने अपने तहरीर को किसी हवारी के तरफ मंसूब कर दिया, माने इंजील को किसी और ने लिखा। अब इसको मार्केट में चलाने के लिए, इसको एक रिलीजियस बुक का स्टेटस देने के लिए लोगों ने हवारी का नाम इसमें शामिल कर दिया कि फला हवारी ने लिखा, लिखने वाला कोई और था लेकिन मंसूब कर दिया गया हवारियों की तरफ ताकि इस किताब को लोग पढ़ें। मरकज की इंजील का मुसन्निफ सेंट पीटर का साथी मरकज था, जिसने सेंट पीटर्स के इंतकाल के बाद साल 65 से साल 70 के शहर रोम में लिखा। ये मार्क्स गॉस्पेल है, इसका राइटर का नाम है मार्क। ये कौन था, ये पीटर का कंपेनियन था रोम में, और रोम शहरी में जो है मार्क्स गॉस्पेल को जो है कंपोज किया गया, और ईयर था 65 से 70 एडी। लूका अपने इंजील के शुरू में लिखता है, लूका ल्यूक्स गॉस्पेल का जो राइटर लूका है वो इंजील के शुरू में लिखता है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के सवाने निगारों के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके जराए का इस्तेमाल करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इंजील लिखी। माने लूका ने कहा कि उनके जमाने में बहुत सारे बायोग्राफर्स ऑफ जीसस थे, तो उन्हीं बायोग्राफी को जो है उसने पढ़ पढ़ कर जो है वहां से जो है ल्यूक्स गॉस्पेल को जो है तरतीब दिया। तो उनके इस बात, उनकी ये बात इस बात की दलील है कि लूका एक चश्मदीद सवाने निगार नहीं था, और दूसरा ये कि पहली सदी में बहुत सारे यसु के सवाने निगार मौजूद थे जो ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लक वाकयात को अपनी किताबों में कलम बंद कर रहे थे। जैसा कि कहा गया है कि मता और लूका ने अपने अपने इंजील की तहरीर के लिए मरकज की इंजील को बतौर माखिज इस्तेमाल किया, लेकिन इन दोनों ने इसके अलावा उससे पहले के एक और गुमशुदा माखिज का इस्तेमाल किया जिसे अंग्रेजी के हर्फ क्यू से डिनोट किया जाता है। तो हमने क्या कहा कि ल्यूक और मता, इन दोनों का कॉमन सोर्स क्या है, मार्क्स गॉस्पेल। तो मार्क्स गॉस्पेल को तो इन्होंने यूज किया, इसके अलावा इन्होंने एक और डॉक्यूमेंट से जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बातों को अपने गॉस्पेल में लिखा। ये डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है, ये मिसिंग है, इसको क्यू लेटर से इसको जो है डिनोट किया जाता है। और ये जो है मैंने ये जो माखज है ये मार्क के गॉस्पेल से और बहुत पहले से है। लूका की इंजील की तारीख साल 90 बताई जाती है, और लूका ने अपनी आंखों से रूमी जनरल टाइटस के जरिया यरूशलम को डेमोलिश होते हुए देखा था। लूका ल्यूक उस वक्त जिंदा था और अपनी आंखों से देखा था कि यरूशलम में किस तरह से जो है ना रोमन जनरल टाइटस ने हमला किया और सेकंड टेंपल को जो है डिमोलिश कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि लूका के इंजील में इस वाक्या का भी जो है जिक्र मिलता है।
इन तमाम बातों से ये वाज़े है कि मौजूदा इंजील अरबा ईसा अलैहिस्सलाम के रफा आसमानी के 50-60 साल बाद लिखी गई और इसमें से कोई भी इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल नहीं हुई। तहरीरी शक्ल में आने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक बातें जुबानी तौर पर एक शख्स से दूसरे शख्स तक जो है मुंतकिल होती थी। ईसा अलैहिस्सलाम के सवाने निगारों में से एक सवाने निगार सेंट पॉल भी था, सेंट पॉल जिसका लेटर्स जो है न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। वह अनाजील के मुसन्निफी से पहले करीब ईसा अलैहिस्सलाम के रफा आसमान के 30 बरस बाद उसने अपने खतूत में ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को इजमाली तौर पर बयान किया। ईसा अलैहिस्सलाम का रफा आसमानी या उनको सलीब देने का वाक्य कब हुआ? 30 AD में, 30 AD से लेकर और 30 बरस के बाद यानी 60 AD में सेंट पॉल ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक इजमाली तौर पर जो है उनकी जिंदगी से मुतल्लिक जो है अपने खतूत में बयान किए, लिखा, उनकी जिंदगी को इजमाली तौर पर बयान किया। उसने खुद एतराफ किया है कि वह लोगों से सुन सुन कर दूसरे लोगों तक जो है ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बातों को पहुंचाया। इतनी बात वाज़े है कि सेंट पॉल के जमाने तक ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये चंद बातें यरूशलम और इसके इतराफ में वसी पैमाने पर फैल गई थी। और ये बात क्लियर है कि सेंट पॉल के जमाने में यानी 60 AD तक ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक कुछ अकायद जो है वो पूरा वसी पैमाने पर फैल गया था। और क्या अकायद था? कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों के खातिर मर गए और 3 दिनों के बाद दोबारा जिंदा हुए और अपने हवारियों को नजर आए और फिर आसमान की तरफ रुखसत कर गए। यही बात मसीहियों का असल अकीदा करार दिया गया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम डाइड फॉर द सिंस ऑफ पीपल, ही वॉज रेज्ड, ही अपीयर्ड टू हिज डिसाइपल्स एंड फाइनली ही वेंट अप टू द हेवन आफ्टर 40 days। तो ये जो माने राइज फ्रॉम डेथ, ये ईसाइयों का अकीदा बन गया और उनका डेथ एज ए मीन्स ऑफ साल्वेशन बन गया। यही ईसाइयों का असल अकीदा है और इसी को सेंट पॉल ने अपनी किताबों में लिखा है, अपने खतूत में लिखा है। अनाजिल अरबा के पढ़ने से कारीन को ये बात वाज़े हो जाती है कि इंजील के मुसन्निफ ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने अकायद नजरियात और अफकार का तर्जुमान बनाकर पेश किया। मसलन मता के इंजील के ईसा अलैहिस्सलाम यूहन्ना के इंजील के ईसा अलैहिस्सलाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक अगर हम पढ़ते हैं तो इतना बात वाज़े हो जाता है कि जो गॉस्पेल ऑफ जीसस इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वो डिफरेंट है जीसस इन द गॉस्पेल ऑफ मार्क से। जीसस इन द गॉस्पेल इज डिफरेंट फ्रॉम जीसस इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन इज डिफरेंट फ्रॉम जीसस इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। अलग अलग है, अलग अलग तौर पर इनको प्रोजेक्ट किया गया है। दूसरी बात, अनाजील में तारीखी और साइंसी अजबार से बहुत सारे वाकयात में खामियां और तजाद भी मौजूद हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम का सही सवाने उम्री मौजूद नहीं है और ना ही कोई इंजील ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम का लफ्जी रिकॉर्ड फराहम करता है। हर एक इंजील यसू का एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। मैंने किसी भी इंजील में जो है मैंने ट्रू लाइफ स्टोरी ऑफ जीसस मौजूद नहीं है। अलग अलग इंजील में अलग अलग जो है ईसा अलैहिस्सलाम के तस्वीर को पेश किया गया है और किसी भी इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज बलफ्ज तालीम भी जो है मौजूद नहीं है। अब हम कलाम पाक की तरफ रुजू करते हैं कि कलाम पाक में अल्लाह ताला ने इंजील के मुतालिक क्या बयान फरमाया है। तो हम ये अब तक जान चुके हैं कि इंजील को लफ्ज गॉस्पेल के साथ जो है ट्रांसलेट किया जाता है।
انجیل کے متعلق قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انجیل اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. ایک یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. دو اس کتاب میں بنی اسرائیلیوں کے لیے نور و ہدایت موجود تھی. آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے جہاں تورات اور انجیل کا ذکر ہے, تو جس طرح سے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہدایت اور نور تھی, اسی طرح سے انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہ ہدوں و نور, اس میں بھی نور اور ہدایت ہے. کس کے لیے تھی؟ ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیلیوں کے لیے. قرآن مجید میں مذکور انجیل نہ ہی عیسائیوں کا نیا عہد نامہ ہے اور نہ ہی اناجیل اربا میں سے کوئی انجیل ہے. مانے انجیل جو قرآن مجید جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد موجودہ نیو ٹیسٹمنٹ بھی نہیں ہے, اس سے مراد موجودہ فور گاسپلز بھی نہیں ہے. آج ہمارے پاس مصدقہ انجیل نہیں ہے, آج ہمارے پاس بھی, مسلمانوں کے پاس بھی اور عیسائیوں کے پاس بھی, اصل انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ موجود نہیں. اٹ از لاس, اٹ از مسنگ. عیسائیوں کی جو انجیل ہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے اور تحریف شدہ ہے. تو یہ تھا انجیل کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور اس ویڈیو سے آپ کو انجیل کے متعلق بہت سارے انفارمیشن آپ کو حاصل ہو جائیں گے. اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم.